हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर में खेत में शौच को गई 9वीं क्लास की छात्रा के साथ एक दबंग युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेजा गया है। वाक्या है बुलंदशहर के रामघाट थाना क्षेत्र का, जहां 13 साल की कक्षा 9 में पढ़ने वाली नाबालिग किशोरी होली के दिन जंगल में शौच को गई थी कि तभी गांव के ही एक दबंग युवक ने मुंह में कपड़ा ठूंस छात्रा के साथ हैवानियत कर दरिंदगी की वारदात को अंजाम दे डाला। यही नहीं, वहशी दरिंदे ने वारदात के बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने पर पीड़िता को धमकी देकर फरार हो गया। थी तो खेत में उसने ने हमें दबा दिया था, मुंह में कपड़ा घोल दिया था हमारे मुंह में। उसने हमारे कपड़े उतार के बदतमीजी की थी हमारे साथ। वो भज गया था, वो हमने हाथ थप गए तो 2-3 जने आए थे हमारे पास। सोच गई थी वहाँ खेतों में पकड़ ली थी, पकड़े के बाद उसने बेइज्जती की थी। बेइज्जती के बाद गाँव के लोग भागे थे पकड़ने के लिए, भाज गया। फिर हमने दर्ज रिपोर्ट कराई थी। दर्ज रिपोर्ट कराने के बाद में हम ऐसे ने खूब किया हमसे, चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, कार्रवाई पूरी की जाएगी। पीड़िता ने मामले की जानकारी घर पहुंचकर परिजनों को दी तो परेशान परिजनों ने आरोपी के खिलाफ रामगढ़ थाने में रेप का मामला दर्ज करा डाला। मामले को लेकर पुलिस ने जहां आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है, तो वहीं पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला चिकित्सालय भेजा गया है। लड़की के पिता के द्वारा तहरीर दी गई है और उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है, विधिक कार्रवाई जारी है, जेल भेजा जा रहा है और लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए रवाना किया गया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज। Time 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।